हाय फ्रेंड्स, मैं जीबन ज्योति आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके कितना प्रॉफिट या लॉस किया उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं ब्रिटानिया का चार्ट ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज मैंने ट्रेड कैसे किया। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया का चार्ट ओपन किया है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो मैंने 10 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। ठीक है दोस्तों, आज जब ओपनिंग हुआ आज का, देखिए ये 10 मिनट का मैंने रेंज को मार्क कर रहा हूँ, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है। दोस्तों इसका जो ओपनिंग हुआ है 5749 के आसपास हुआ है और इसका जो क्लोज हुआ है पहला 10 मिनट का, ये 5729 के आसपास हुआ। इसके बाद देखिए, ये लेवल को ये धीरे धीरे क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने रूल के हिसाब से क्या बताया था, ये जो कैंडल है ये कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो भी कैंडल बन रहा है ये कैंडल, ये जो 10 मिनट का जो कैंडल है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देके ट्रेड कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 10 मिनट का कैंडल है ये उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और धीरे धीरे ये जो 10 मिनट का कैंडल का रेंज था इसके नीचे ट्रेड करने लगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लेकिन सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन है इसीलिए हमको सेल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सेलिंग करने के लिए कॉन्फर्मेशन कहाँ आया, देखिए इसी लेवल के आसपास सेलिंग करने के लिए कॉन्फर्मेशन दिया, ये 10 बजे के आसपास कॉन्फर्मेशन आया और ये कॉन्फर्म किया 5689 के आसपास। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सेल किया था, मैं 5696 के आसपास सेल किया। तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्फर्म किया और मैंने इसी कैंडल पे सेल किया था, ये थोड़ा ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ था, तो मेरा सेलिंग स्टार्ट हुआ 10:15 पे और मैंने 23 क्वांटिटी लिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने 23 क्वांटिटी कैसे लिया। देखिए, मेरा जो एंट्री आया था इसी लेवल के आसपास आया था, 5689 के आसपास। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस आ रहा था इसी लेवल पे 5753 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा 1500 का रिस्क रहता है, तो स्टॉप लॉस मेरा आ रहा था 5753 के आसपास और जो एंट्री आ रहा था 5689 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 64 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था। दोस्तों अगर मेरा रिस्क 1500 का है तो यहाँ पे 64 अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 23 शेयर आ रहा है मुझे लेने के लिए, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 23 शेयर सेल किया और मेरा जो स्टॉप लॉस इसी लेवल पे मैंने लगाया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वेट किया था कि ये नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन इसी लेवल पे देखिए ये थोड़ा नीचे आ गया और यहाँ पे 2 बजे के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों मैंने मिनिमम 1:2 रेशियो को लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो मेरा 1500 का रिस्क था, इसका मतलब मेरा 3000 का टारगेट था। तो देखिए दोस्तों, 3000 का टारगेट अगर आपको चाहिए तो मैंने 23 शेयर लिया है, तो देखिए 130 पॉइंट का मूवमेंट मुझे चाहिए था, तो मेरा जो एंट्री था वो 5689 के आसपास था। तो अगर 130 पॉइंट का एंट्री मुझे चाहिए तो 5559 के आसपास मेरा टारगेट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था तो ये 5559 के आसपास इसी लेवल पे मेरा टारगेट था। ये देखिए, इसी लेवल को ये धीरे धीरे क्रॉस करके नीचे की तरफ आया था और मैंने यहाँ पे रुका था, लेकिन जब ये धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ जाने लगा तो देखिए दोस्तों, मैंने इसी लेवल पे 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे 5553 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और मैंने ये जो स्टॉप लॉस लगाया था इसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने इसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस शुरू से लगा था ये लेवल पे मैंने उसको मॉडिफाई करके इसी लेवल को कर दिया था, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसीलिए दोस्तों मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। मुझे 1:2 रेशियो पे चाहिए था और 1:2 रेशियो पे मुझे प्रॉफिट मिल गया, इसीलिए मैंने बुक कर दिया और ये स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5553 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। इसके बाद देखिए, ये ब्रिटानिया का शेयर और 10-12 पॉइंट के आसपास नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने रूल के हिसाब से ट्रेड कर रहा था
और आज यहाँ पे 3286 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों 1500 का रिस्क था और 3200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। और देखिए यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन लिया है मैंने, लेकिन मेरा ये जो प्रॉफिट मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके मैंने कमाया है। दोस्तों देखिए आज तीसरा डे है, मैंने आपको बोला था पूरा एक हफ्ता इसको फॉलो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहला दिन प्रॉफिट हुआ था और कल जो था वो लॉस हुआ था, और देखिए आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। दोस्तों मैंने कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास कोई मदद पहुंच रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके आज लाइव मार्केट में कैसे प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।